दो हाफ होता है 20-20 मिनट का। हर क्वार्टर में एक टीम कंपलसरी एक टाइम आउट लेना, एक अपना ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। जो लीड कर रहा है टीम वो अपना कोच टाइम आउट लेकर डिसाइड किया कि गेम थोड़ा स्लो कर दो या फास्ट करो गेम लीड के बढ़ाने के लिए, ये होता है। और पांच फाउल किसी प्लेयर इंडिविजुअल प्लेयर का होता है तो पूरा टीम के लिए मैच के लिए आउट हो जाएगा वो। अगर कोर्ट में कहीं भी पांच फाउल हो रहा है तो कहीं भी फाउल होगा छठा फाउल तो 2 फ्री शूट अपोनेंट को मिलेगा। फाउल से बच्चा जतः खेलो कुछ सीखे के लिए छे से अलग अलग जगह पर पटना या फिर दिल्ली जाए छे तो उस सुविधा छे से अब स्कूल में हमरा सब गोटा के भेट रहल छे। हाँ, पहले था कि कोई सुविधा नहीं था गांव में। यहाँ का सोच थोड़ा पहले था कि बच्चा क्या एक कहावत नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन वो दिन पर दिन चेंज हो रहा है। अब सबको मालूम है कि एज अ पेरेंट्स कितना बार कंप्लेंट भी आया कि सर हमारे बच्चों को खिला नहीं रहे, तो स्पोर्ट्स में बहुत रुचि ले रहे हैं पेरेंट्स भी या बच्चे भी। स्पोर्ट्स का लेवल बहुत हाई तक जाने वाला है अभी। जय मिथिला, हम छी ब्रजनंदन चौधरी और अपने सब गोटा देख रहल छी जी मिथिला। हम सब गोटा एखन मिथिला के जंगा के बिरौल के श्री कृष्णा आइडल पब्लिक स्कूल में छी। ए जगह पर छै से स्कूल के जे व्यवस्था छै लगातार अपने सब गोटा के सामने आनैत रहै छी और बच्चा के जे प्रतिभा छै ओकरो अपने सब गोटा के लगातार देखाबैत रहै छी। ओहे बीच छै से हम सब गोटा एखन साझक लगभग 6 बज रहल हन और एहि समय में छै से हम सब गोटा जे गेम के क्लास होइ छै ओहि जगह पर ओहि समय में आयल छी और बच्चा सब से अपने सब गोटा के बातचीत करब कि लगातार छै से स्कूल के द्वारा जे बच्चा सब छै से नेशनल खेलैत रहलैत हन और जे बच्चा के तैयारी छै नेशनल के लेल लगातार छै से हमरा सब गोटा के सामने आबैत रहल। लेकिन एहि तरह से तैयारी छै से हम सब गोटा शायदे आइ तक देखने हेबै। एक बेर सहयोगी कहबनि जे कनिक बच्चा सबके देखाबै कोशिश करता जे कि देख सकै छी अपने सब जे ई 10 टा बच्चा छथिन जे आगू आबै वाला साल में छै से नेशनल खेलै के लेल जथिन और एतौका जे टीचर छै तिनकर सब गोटा के छै से तैयारी करबा रहल छथिन। ई चीज जे छै से हमरा सबके मिथिले में भेट सकै छै जतः मिथिला के बच्चा लगन प्रतिभा रहै छै लेकिन ओहि तरह छै से ओ चीज ओ संस्थान हमरा सब गोटा के नहीं भेट पाबै छै जे बच्चा छै से खेल कूद के दुनिया में छै से कतौ आगू बढ़ सकैत। लेकिन एहन एहन संस्थान एहन एहन विद्यालय छै से आगू बढ़ के और बच्चा के तैयारी करबाबै छै एकटा फोकस करबाबै छै जे बच्चा नेशनल इंटरनेशनल खेले के लेल छै से आगू जा सकै। प्रसंग श्री कृष्णा आइडल पब्लिक स्कूल के पीटी सर मोहम्मद इकरामुल हक सर छै और इनका सब बातचीत करै छी जे बच्चा सब के छै से केना के तैयारी करबाबै छथिन और मिथिला के बच्चा में छै से कई तरह के प्रतिभा देखै छथिन। सर की देखलिए ई जगह पर स्कूल में लिए और बच्चा के खास कक छै से अपने खेल के दुनिया में छै से बच्चा के तैयार करै छी अपन मिथिला के बच्चा के छै से कई तरह से देखलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे श्री कृष्णा आइडल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। और यहाँ के बच्चा बहुत ही इंटरेस्टेड है कोई भी गेम के लेकर, रुचित लेके। जैसे बास्केटबॉल में अभी फिलहाल ही में 6 महीना से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे विद्यालय से 4 बच्चा का नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है और बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस है यहाँ पर बच्चे का। और बहुत मेहनत, जितना भी मेहनत कराए बच्चा कभी पीछे नहीं हटते हैं एकदम। गुरु का क्या आदर होता है वो आपको मिथिला में ही आके मिलेगा। गोटा छै से अपन मिथिला के बच्चा में छै से ओ चीज देख सकै छी जतय छै से अलग अलग जगह के बच्चा में देखै छियै जे खेलकूद के दुनिया में छै से अपन नाम रोशन करै छै। जी, ऐसे तो देखा जाए जहाँ तक जैसे हरियाणा यूपी हो गया, वहाँ के बच्चा स्पोर्ट्स में ओलंपिक में मेडल लेने के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मेडल भी आता भी है। ऐसा अगर बिहार सरकार चाहें तो बिहार में भी ऐसा बहुत ही टैलेंट बच्चे छिपा हुआ है जिसका टैलेंट दिखाने के लिए कदर है। अगर बिहार सरकार वो मुहिम पर कुछ प्रोग्राम करवाते हैं तब डेफिनेटली मैं बोलना चाहता हूँ कि अपना मिथिला से श्योर ऐसा बच्चा निकलेगा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगा, बिहार का नाम और अपना देश का नाम भी रोशन करेंगे। एखन देर छै से अपने कतेक दिन से लगभग छै से मिथिला में काज कर रहल छी? मैं यहाँ पर अभी 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 1.5 साल जी, तो मिथिला में देख लिए चीज सब छै से पूरा तरह से संपूर्ण छै मिथिला। हाँ, मिथिला में ये है कि गुरु का कितना आदर होता है, असली आदर मिथिला में ही मिलेगा आपको। जी देखिए, बहुत सुंदर हमरा सब गोटा के लागल जे सर छै से एतौका चर्चा हमरा सब गोटा के सामने के लिए जे गुरु के की आदर है छै ओ हमरा सब गोटा के सीखे के लिए मिथिले में भेट सके छै। जतः पंजाब के बच्चा पंजाब हरियाणा या फिर दिल्ली से अलग अलग ओलंपिक में बच्चा के हम सब गोटा जाय देख सके छी। लेकिन पिछला वर्ष से एकटा बच्चा जे कि बैट बॉल के दुनिया में छै से मधुबनी से एकटा लड़की आयल छलै और हुनका छै से ओहि तरह से सुविधा नहि भेट पेलै, पूरा परिवार के सपोर्ट नहि भेट पेलै। लेकिन ओकर बादो छै से नेशनल खेलै के
लेल गेल। पूरा जिला दरभंगा है या मधुबनी है या फिर समस्तीपुर है, हरेक जगह से बाद में हुनका सपोर्ट भेटल छलै। तो देखियो एहि तरह जखन हमरा सब गोटा के छै से एहि तरह से कोनो संस्थान सपोर्ट क के एहि तरह के टीचर आन के अलग अलग जगह से हमरा सब बच्चा के सपोर्ट करबाबै छथिन, और ओकर बाद जखन हमसब नेशनल के तैयारी क सकै छी तऽ हमसब पूरा मनोबल के साथ किए नहि खेली, और जखन एहि तरह के सुविधा छै तऽ हमसब किए नहि आगू बढ़ी। बास्केटबॉल लगातार छै से बच्चा के हमसब गोटा एहि जगह पर एखन छै विशेषता अहाँ खेलबाबै छलहुँ। तऽ एहिठाम छै से बास्केटबॉल, आब जे गाँव घर के बच्चा छै से ई चीज पता नहि रहै छै बास्केटबॉल खेल लैत, लेकिन एहिमे होइ छै की बास्केटबॉल गेम देखा जाए तो एक्चुअली बिहार में आपका दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम ऐसा स्कूल है जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, जो अपना श्री कृष्णा आइडल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में है, और उसे वही फैसिलिटी मैं बच्चे को देना चाहता हूँ कि बास्केटबॉल गेम या रूल रेगुलेशन के बारे में सब चीज़ बताता हूँ। यहाँ के बच्चा बहुत अच्छे तरह से लर्न करते हैं उनको, और उसमें बास्केटबॉल में स्कोप ये है कि बच्चा अगर नेशनल खेलते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब इजीली लग सकता है बच्चा का, और इतना बच्चा दिलचस्पी भी रखता है यहाँ के। कतेक बच्चा के देख सके छे अगला वर्ष से निकल के जा सके छे अपन स्कूल? ऐसे तो लग रहा है मेरे इस अंदाज से 6 या 7 बच्चा 100% नेशनल खेल सकते हैं अगर नेशनल खेल, हाँ अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहे, जिस तरह से अभी मेहनत चल रहा है वही मेहनत पर फोकस डालें, जो कोच सिखाए उसको फॉलो करते रहें, क्या डाइट है, क्या प्लान है, क्या प्रैक्टिस चार्ट है सब बताते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेगा स्टूडेंट बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं। रूल की रहे इसमें रूल रहता है कि सर बास्केटबॉल प्लेयर 12 प्लेयर होता है, ठीक है, 5 प्लेइंग रहता है और 7 एक्स्ट्रा रहता है, अगर बाय चांस कोई बच्चा का चोट लगता है कोई प्लेयर का तो चेंज होता है उसमें, और 40 मिनट का गेम होता है, 4 क्वार्टर होता है और 2 हाफ होता है 20-20 मिनट का, और हर क्वार्टर में एक टीम कंपलसरी एक टाइम आउट लेना है, एक अपना ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, जो लीड कर रहा है टीम अपना कोच टाइम आउट लेकर डिसाइड किया कि गेम थोड़ा स्लो कर दो या फास्ट करो गेम लीड को बढ़ाने के लिए, ये होता है। और 5 फाउल किसी प्लेयर इंडिविजुअल प्लेयर का होता है तो पूरा टीम के लिए मैच के लिए आउट हो जाएगा वो, अगर कोर्ट में कहीं भी 5 फाउल हो रहा है तो कहीं भी फाउल होगा 6 फाउल तो 2 फ्री शूट अपोनियंट को मिलेगा। गोटा ई कहि सकै छी आब जे छै से दरभंगा से बिरौल से छै से बच्चा जतय खेलो कूद सीखै के लेल छै से अलग अलग जगह पर पटना या फिर दिल्ली जाइ छलै, तऽ ओ सुविधा छै से आब स्कूल में हमरा सब गोटा के भेट रहल छै? हाँ, पहले था कि कोई सुविधा नहीं था गाँव में, आ यहाँ का सोच थोड़ा पहले था कि बच्चा क्या एक कहावत नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन वो दिन पर दिन चेंज हो रहा है। अब सबको मालूम है कि एज अ पेरेंट्स कितना बार कंप्लेंट भी आया कि सर हमारे बच्चों को खिला नहीं रहे, तो स्पोर्ट्स में बहुत रुचि ले रहे हैं पेरेंट्स भी या बच्चे भी, और स्पोर्ट्स का लेवल बहुत हाई तक जाने वाला है अभी जी। देखियो हिनकर जे कहब छले अपन सब गोटा के मैथिली में एकटा बहुत चर्चा बनल रहे छे, और बुजुर्ग सब कहि छले हमरा सब के बाबा सब के मुँह से हमू सब गोटा विशेषता बहुत बेसी सुनै छलिए जे पढ़बे लिखबे ते बनबे नवाब, खेलबे कूदबे ते बनबे खराब, तो हम सब गोटा खत्म है देख सकै छी। इहे नहीं छै जे पढ़बे तखने हम सब गोटा नवाब बनि सकै छी, जखन कि खेलो के दुनिया में छै से अपन प्रतिभा देखा के छै से एकटा अलग लेवल अलग पहचान छै से हम सब गोटा बना सकी। नाम छै अहाँके? जी, हमर नाम रघुवीर चौधरी भेल। रघुवीर की देखै छिए आब जे सर एखन कहलथि हन हमरा सबके जे पढ़बे लिखबे तखने बनि सकै छी नवाब, खेलो कूद के छै से हम सब गोटा नवाब बनि सकै छी? बिल्कुल, अहाँ देख सकै छिए तब खेलकूद के बहुत सारा एहन बच्चा होइ छै जे एकेडमिक्स मे बढ़िया नहि रहै छै, तो खेलकूद मे जाय लए चाहै छै, और खेलकूद मे अपना इलाका जते छै मिथिलांचल इलाका छै, जेना देखियौ बास्केटबॉल नया चीज छै, किनको ने कोनो इसकुल मे जल्दी नहि प्रोवाइड करल जाइ छै इसकुल सँ, बास्केटबॉल मे काफी खर्चा आबै छै, लेकिन हमर इसकुल हमरा सबके रिसोर्स सप्लाई प्रोवाइड केलकै हन, तऽ हमसब अपन प्रैक्टिस रेगुलर कए रहल छियै, काफी बच्चा छै जे काफी प्रतिभाशील छै, बहुत बढ़िया से खेलै छै, ओ सब आगो जेतै, और पढ़ाई अलग रहि कऽ गेम के जे बढ़ावा मिल रहल छै ओहिसँ बच्चा सब काफी प्रोत्साहित छै, सब बढ़िया से खेल कूद रहल छै। इतना छै से स्कूल में व्यवस्था ओ चीज देखलिए, टीचर के सिखाबे के नॉलेज देखलिए, ओ चीज छै जतय हमसब गोटा दिल्ली या मुंबई हमसब गोटा सुनै छलिए ओहि जगह ई चीज भेट सकै छै? जी जी बिल्कुल, आब एम्हर कतौ एहन कमी नहि रहलै जे नॉलेज के कमी के बावजूद, मतलब नॉलेज के कमी छै तऽ बच्चा नहि कए पेलकै, आब तऽ टीचर प्रोवाइड भेल छै बढ़िआँ सँ, ओ सब हमरा सब सिखबै छथिन, रूल रेगुलेशन सबटा बतबै छथिन, जे रूल रेगुलेशन साथ साथ हमरा इहो बतबै, हमरा सबके इहो बतबै छथिन जे जे गेम खेल रहल छै ओकर बारे मे बतबै छथिन, ओकर उत्पत्ति कतयसँ भेलै, ओकर हाइट लेंथ वेंथ जते होइ छै ओ सबटा चीज हमरा सबके बताएल जाइ छै, हमरा सब पीटी सर के हमसब ओकरा बढ़िआँसँ ग्रहण करै छियै, ओहिपर काम करै छियै, रेगुलर प्रैक्टिस चलि रहल छै।
देखियौ हमहूँ सब गोटा एक जगह से अगर खेलै के लेल दोसर जगह जाइ छलहुँ गाँववला इलाका से खास होके बात करब हम ते ओ जगह पर छै से हमरा सब गोटा के रूल नहि पता रहै छलै तऽ आउट कऽ देल जाइ छलै या फिर अलग अलग तरह छै से बीच में बात आबै छलै लेकिन एतय छै से बच्चा के तैयार कऽ देल जाइ छै जे अहाँ अगर नेशनल खेलै के लेल जाइ छी तऽ ओहि जगह पर छै से अहाँ के साथ अहाँ अपने छै से कनियो मिस्टेक नहि कऽ दी पूरा छै से तैयारी केला के बाद एहि जगह से बच्चा के आगू भेजल जाइ छै और ई चीज अहिए जगह हम सब गोटा एखन धरि देखलियौ हन और कोनो जगह छै से एहि तरह से व्यवस्था एहि तरह से रूल रेगुलेशन छै से हमरा सब गोटा के नहि भेटल तऽ एहि तरह के छै से न्यूज अपने सब गोटा के सामने आनैत रहब तादर बनल रहू जी मिथिला के संग धन्यवाद।